कथा ने कबीर को बताई युवराज की सच्चाई, क्या कथा की बातों पर कबीर करेंगे भरोसा। जी हाँ, कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो मुस्कुराने की वजह तुम हो में आप देखेंगे कि कैसे मधु और कथा के बीच बप्पा के भूख को लेकर हो जाएगी अनबन, जिसके कारण मासा इसका हल निकालेंगी। बताएंगे कि बप्पा के सामने मंजू और कथा दोनों का ही भोग चढ़ेगा। ऐसे में कथा मासा के कहने पर जैसे ही भोग की थाली लाने जाएंगी, वैसे ही मधु जानबूझकर स्केटबोर्ड कथा की तरफ बढ़ा देंगी, जिसमें पैर पड़ने के कारण कथा गिरने वाली होंगी। हालांकि कथा की माँ और बहन दोनों ही कथा को संभाल लेंगे, लेकिन प्रसाद जमीन पर गिर जाने के कारण वो भोग में चढ़ाया नहीं जाएगा। हालांकि कथा इस बात से बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगी और अपने पूरे परिवार के साथ करेंगी बप्पा की महाआरती। लेकिन इसी दौरान ईजा का दिल रखने के लिए कबीर ईजा के बनाए मिठाई को खाते नजर आएंगे। साथ ही शिखावत परिवार के लड़कों के बीच होगा एक कॉम्पिटिशन, जहाँ पर जो सबसे ज्यादा मिठाई खा सकता है उसे मिलेगा प्राइज। ऐसे में मान्यता इस कॉम्पिटिशन में बनेंगी जज, जिससे किशोर ये कॉम्पिटिशन जीत जाने के कारण मान्यता उन्हें देंगी रोज, तो वही कबीर भी ईजा का दिल जीतेंगे और उन्हें भी एक रोज देंगे, जिसके कारण ईजा लुटाएंगी कबीर पर प्यार। हालांकि कथा इस दौरान कबीर को सच बताना चाहेंगी, कहना चाहेंगी कि कैसे युवराज ने उन्हें धोखा दिया। हालांकि कथा कबीर समझकर किसी और को युवराज की पूरी सच्चाई बता देंगी, जबकि उनका चेहरा भी नहीं देखेंगी। लेकिन आने वाले ट्रैक में ये देखना बाकी बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर कथा ने कबीर की जगह युवराज की सच्चाई किसे बताई है और इसके बाद कौन सा भूचाल आने वाला है। टेलीविजन से जुड़ी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट एंड गॉसिप के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। देखते रहिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।